गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं वासुदेव गिरी, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पीसीएम फुल कॉन्सेप्ट में। आज हम क्लास 11th का मैथ्स का चैप्टर 3 पेज नंबर 79 और उदाहरण 13 लिया हूँ, जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या करने के लिए बोल रहा है, सीध करने के लिए बोल रहा है, ये आपको दे करके इसको लाने के लिए कह रहा है, ठीक ना। तो इसके लिए क्या कीजिएगा, ये पूरी चीज़ को मत उठाइएगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए टेन ए टेन थ्री एस टेन टू एस टेन एक्स मतलब LHS पार्ट लेकर के करेंगे तो कभी नहीं आएगा। तो इसके लिए एक स्पेशल रूल्स बोलिए चाहे स्पेशल ट्रिक बोलिए, वो अपनाइएगा तो आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 3x 2x x है, तो मैं कैसे लिखूँगा, 3x को उठाऊँगा। तो देखिए 3x इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस एक्स, ये चीज़ लिख सकता हूँ। अब क्या करने वाला हूँ, बोथ साइड 10 से मल्टीपल करने वाला हूँ। तो 10 से मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10 3x इक्वल्स टू 10 2x प्लस एक्स। यहाँ पे क्या किया, लिख दीजिएगा बोथ साइड मल्टीपल बाय 10। आप लोग हिंदी में लिखिएगा दोनों पक्ष में 10 से गुणा करने पर, ठीक। इतना तो हो गया। अब देखिए 10 3x को जैसे है ऐसे ही रखिए, क्योंकि यहाँ पे LHS पार्ट में हमको 10 3x भी दिख रहा है, RHS पार्ट में, और यहाँ पे भी 10 3x दिख रहा है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 2x प्लस एक्स को 10x प्लस वाई की फार्मूला लगा देंगे। कौन सी फार्मूला लगाने वाले हैं, 10x प्लस वाई बोलिए या फिर a प्लस बी बोलिए, यही फार्मूला लगाने वाला। तो ये फार्मूला क्या होता है, 10x प्लस 10y बटे में 1 माइनस 10x इंटू 10y, ये फार्मूला होता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। अब इसी फार्मूले के हेल्प से इसको खोलते हुए जाएंगे। तो यहाँ पे 10 है तो 10 है, x मतलब 2x का काम करेगा, y मतलब x का काम करेगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 10x मतलब 10 2x हो गया प्लस 10y मतलब 10x प्लस y हुआ, अपन क्या होता है 1 माइनस 10x, 10x मतलब 10 2x और 10y मतलब 10x। इतना दूर तक तो क्लियर, इस फॉर्मूले को हेल्प से हमने कर दिया। इसके बाद क्या करेंगे, देखिए आप इसके नीचे ये 3x, चलिए यहाँ पे लिख लेता हूँ, नहीं तो 10 3x के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 इसके साथ इंटू होंगे तो क्या होगा बताइए, 10 2x प्लस 10x इक्वल्स टू 10 3x इसके पूरे के साथ इंटू होगा तो क्या होगा, 10 3x फिर 10 इसके साथ इंटू होंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस 10 10 3x इंटू 10 2x इंटू 10x, यही तो है। अब प्रूफ वाले पार्ट में देखिए क्या है, एक तरफ क्या है 10 3x 10 2x 10x, तो यहाँ पे देखिए 10 3x 10 2x 10x माइनस है, तो ये चीज को इधर लेके आ जाएंगे सब क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो ये माइनस वाली पार्ट को इधर लेके आ रहा हूँ इक्वल टू इस तरफ, तो क्या हो जा रहा है मेरा 10 3x 10 2x 10x इक्वल्स टू, इधर में क्या है 10 3x, तो देखिए 10 3x इधर है, 10 3x लिख दिया हमने 10 3x। इसके बाद 10 2x इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 10 2x क्योंकि प्लस था, फिर प्लस 10x इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 10x। यही तो हमको प्रूफ करने के लिए बोला था। देखिए क्वेश्चन में 10 3x 10 2x 10x 10 3x 10 2x 10x इक्वल्स टू 10 3x माइनस 10 2x माइनस 10x। देखिए 10 3x माइनस 10 2x माइनस 10x प्रूफ कर दिया हूँ। क्वेश्चन मैंने कैसे स्टार्ट किया, 3x को उठाया, हाँ यही ध्यान रखना है खाली आपको, हाँ LHS और RHS लेकर के जाओगे तो नहीं कर पाओगे, उठाना है खाली 3x को मैं लिख सकता हूँ 2x प्लस एक्स, बोथ साइड 10 से मल्टीपल कर दीजिए, उसके बाद फॉर्मूला लगा के क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए तब आ जाएगा। हाँ जो क्वेश्चंस मैंने अभी करवाया हूँ, आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक शेयर कर दीजिए। इसके बाद मैं एक्सरसाइज का और एक क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एकदम सिंपल सा है।